सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज़, आपका स्वागत है। बीटी न्यूज बलिया। उत्तर प्रदेश में 70 सीट जीतेंगे टीएन मिश्रा, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी। इंडिया टाइम्स संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश को सिर्फ झूठा बोलने का काम किया है। टीएन मिश्रा पैसे से एजुकेशन सोसाइटी चलाते हैं, 20 वर्ष से जनता में घुसपैठ है, जबकि पिछले कई चुनाव में भोला पांडे जी को टिकट दिया जाता है। धर्म और जात के आधार पर तथा राजनीतिक और भी कारण मिश्रा जी उनके पिछले सारे चुनाव में सहयोग करते आए हैं, जबकि भोला पांडे जी पैरासूट उम्मीदवार हुआ करते हैं, जिसका उनको और पार्टी को नुकसान मिलता था। क्या अभी गठबंधन हुआ है मैं उत्तर प्रदेश में, इसकी विषय में आप क्या करना चाहते हैं? मायावती और सुश्री मायावती जी और अखिलेश यादव जी के संदर्भ में अच्छी है, उन लोगों का व्यक्तिगत अपना अपनी रुचि है। उस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, स्वागत है, वो लड़ सकते हैं, ये उनका फैसला है। हमारे भी कहा जा रहा है बीजेपी से मिले कौन? शिवपाल। नहीं नहीं, शिवपाल सिंह जी मिले हैं बीजेपी से, तो ये भी उनका व्यक्तिगत मामला है, इसके संदर्भ में कांग्रेस से कोई लेना, हमारी पार्टी से इस संदर्भ में कोई लेना देना नहीं है। हम लड़ाई अपने भारत की जनता और बेरोजगार और किसान। उत्तर प्रदेश में कितना सीटें तुम मारेंगे? 70 से ऊपर हम जा रहे हैं, हमारे जितनी सीटें हमारे एलायंस और संबंधित को जो दी गई है उनको लेकर के हम 70 से ऊपर जाएंगे, और यह पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा किसी दशा में यह चुनाव 2019 का हम लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। 70 से ऊपर हमारी पार्टी लेकर के केवल उत्तर प्रदेश में जाएगी। आप सलेमपुर से प्रत्याशी हैं और सलेमपुर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? सलेमपुर की जनता राजनीति से बहुत कोसों दूर रही है, अब तक देख लीजिए कि उपेक्षित रहा है। हमारे जितने भी सांसद वर्तमान में पीछे बने हैं, आप देख लीजिए, सबने चाहे भारतीय जनता पार्टी के बना तब भी अभी बने हैं, कोई चेहरा नहीं पहचानता पूरे लोकसभा में। आप पूरे चेहरे को उनको घुमा दीजिए, जगह जगह गांव में बैनर लगे हुए हैं, जगह जगह नया चेहरा आया है प्रियंका गांधी का, क्या इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को देखेंगे? चूंकि ऐसा है कि देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व में हमारे सबसे युवा और क्रांतिकारी नेता हमारे माननीय राहुल जी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में वो पूर्वांचल की राजनीति के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अभी उनका जोरदार प्रदर्शन हुआ है, और आपने देखा होगा उनका तेवर, वो जो एक आवाज आई है एक नवयुवकों में, बेरोजगारों में, किसानों में, महिलाओं में, देखिए किस प्रकार से प्रियंका गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक आदमी नहीं, एक जज्बा है, और उस जज्बा से हर आदमी, मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत तक का हर युवक, हर बेरोजगार, हर छात्राएं और किसान बेरोजगार, और यहाँ तक कि वयोवृद्ध तक आदमी उसको अपना बेटा, अपना भाई, अपना बहन, अपने अपने परिवार का सदस्य मान रहा है। और निश्चित तौर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी पूरे हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भावी सबसे बड़ा नेता होंगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? अभी अभी ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा तय करेगा, इसके संदर्भ में आपको समय समय पर बताया जाएंगे और समय समय पर जो उसके विकल्प होंगे। अभी हाल ही में सुरेंद्र सिंह बेरिया विधायक का बयान आ रहा है, कांग्रेस में सपना चौधरी को टिकट के लिए कहा गया, उन्होंने इनकार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? गजब बात है ये सब। देखिए, सपना चौधरी हमारे देश की उत्कृष्ट कलाकार हैं, और उनको कला के में पूरा देश स्वीकार कर रहा है, और उस उनको भी हमारे सुरेंद्र सिंह विधायक जी ने किस प्रकार के शब्द से मीडिया के माध्यम से सुशोभित किया है, यह पूरे देश में छुपा नहीं है। हम इस बयानों में विश्वास नहीं करते, और सपना चौधरी जी ने कांग्रेस बकायदे सिस्टम से ज्वाइनिंग किया था, कांग्रेस के सदस्यता को स्वीकार किया था, कांग्रेस में उन्होंने अपनी सहमति जताई थी, कांग्रेस में उन्होंने, लेकिन अब चूंकि आप जानते ही हैं परिस्थितियां बदल रही हैं, और सिस्टम के हिसाब से उन्होंने हमें लगता है कहीं ना कहीं किसी के दबाव में इस प्रकार का उन्होंने निर्णय लिया है,
ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस का अपना एक अलग तरीका है, कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति में बहुत विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस का अपने आप में दम में, हमने इस देश को स्वतंत्रता दिलाया है। आप सोचिए थोड़ा सा, आप खुद सोच सकते हैं कि जब हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ना सीखा है, हम अपनी शक्ति का जलवा गुलामी से लेकर के आज तक दिखाते चले आए हैं, तो हम किसी के ये थोड़े में हैं। हमको, हम तो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम आजादी के लिए एक लड़ाई लड़े और ये दूसरी लड़ाई आजादी की ही लड़ाई है। आज पूरा देश हमारा इन लोगों के कुकृत्य से गुलाम सा बना हुआ है, आप कुछ बोल नहीं सकते उनके पास। अरे भाई, आप कहां सोच रहे हैं? आप देखिए, बड़े बड़े लोगों का, इस पार्टी ने अपने लोगों का स्वाहा कर दिया उनको। जब ये पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व का नहीं हुआ, जिनको बलिदान कर दिया, आउट कर दिया, एक्सपायरी डेट बता दिया, टाइम बार्ड बता दिया, ये कांग्रेस में नहीं है। हम अपने नेता का बीजेपी से आडवाणी जी का टिकट काट दिया गया, इसमें क्या कहेंगे? बाकायदे मैंने बताया है, है कि मालिक को बैर हो गया अपने ही बाग से। लाइन मेरी बहुत अच्छी है, ध्यान दीजिएगा, कि मालिक को बैर हो गया अपने ही बाग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताइए, लाल किशन आडवाणी को काट देंगे, माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी को काट देंगे, ये जब आएगा जिसका मन आएगा उसको ये काट देंगे। ये इस देश पर रोज मरवा रहे हैं, आप तो देख रहे हैं महाराज, आप देख लीजिए, आप लोग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारे, आप लोगों पर ये देश चल रहा है। तीसरी शक्ति हमारे देश के, हमारे इस प्रजातंत्र के आप लोग हैं, आप देख लीजिए, रोज मरवा रहे हैं। 56 इंच नहीं, 86 इंच का इनका सीना है और रोज हमारे सैनिक बेचारे कटते चले जा रहे हैं और इनको केवल 56 दिखाई देता है। भारत का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है, आपकी सरकार आएगी तो आम जनता के लिए क्या करेगी, बेरोजगारी के लिए क्या करेगी? बेरोजगारी का रोजगार जिनको इन्होंने स्वाहा किया है, बंद किया है, उसको उसको पूर्ण रूप से किया जाएगा। शिक्षा मित्र जो है उनके संदर्भ में उचित निर्णय किया जाएगा। आशा बहुएं जो घूम रही हैं उनके संदर्भ में किया जाएगा। जिनको, जिनके आधार पर यह सरकार केवल लोगों को गुमराह करके सत्ता में आकर के 5 वर्ष तक कायम करके अपने आप का स्वार्थ सिद्ध किया है, वो कुछ नहीं किया है उनके लिए, उस सारी चीजों का ये कांग्रेस सरकार, हमारी सरकार निदान करेगी। आपने पर्चे बताइए। मैं डॉक्टर टीएम मिश्रा, कांग्रेस संसदीय क्षेत्र सलीमपुर से, लोकसभा के भाई प्रत्याशी। क्या आप दो सलीमपुर से कांग्रेस से आपको टिकट मिल रहा है, क्या उम्मीदें हैं? हाँ, पार्टी जैसा दिशा निर्देश करेगी। कांग्रेस के हम लोग पुराने वर्कर हैं, जन्म से बाय बर्थ कांग्रेसी हैं और लंबे समय तक कांग्रेस के लिए, इस क्षेत्र के लिए, कांग्रेस संसदीय क्षेत्र के लिए सड़क से लेकर के और थान ब्लॉक और जिले स्तर तक मैंने संघर्ष किया है। लंबे समय से मैं यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की जनता की मांग पर, यहाँ की जनता के लिए ज़रूरत पर मैं हाजिर रहा हूँ और मैंने हर स्तर की लड़ाई लड़ा है, इस क्षेत्र की ज़बरदस्त सेवा किया है मैंने। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे अपने आप को इस क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहा हूँ, एक कांग्रेस का सच्चे सिपाही के रूप में। क्या ये 2019 की आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव नजदीक छा गया है, ये भाजपा करी इस बार पूर्ण बहुमत समाएंगे, कांग्रेस एक भी सीट नहीं मारेगी, क्या उत्तर प्रदेश में आया कांग्रेस पूरी सीट मार पाएगी? माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के पास केवल जुमलाबाजी के अलावा कुछ अतिरिक्त है नहीं। केवल मुँह से जितना बढ़िया से बढ़िया लोगों को गुमराह करके और अपनी राजनीति को चमकाते हैं, 15 करोड़ से लेकर के आपको पता होगा कि 15 लाख खाते में जाएगा तो ये जाएगा तो वो जाएगा तो ये नौकरी देंगे, 8 लाख शिक्षित बेरोजगारों की नौकरी को हमारी सरकार ने बर्बाद किया है। जो लड़के नौकरी कर रहे थे, जो बेरोजगार युवक नौकरी पाए हुए थे, वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आशा बहू से लेकर के और तमाम रोज देख रहे हैं, शिक्षा मित्र सड़कों पर आत्महत्या कर रहे हैं और ये पूरे देश में उपलब्धि गिना रहे हैं।
तो सरकार किसकी बनेगी एक तो वक्त बताएगा, चुनावी परिणाम बताएगा। ये केवल मुंह से अपने लोगों को, इस भोली भाली जनता को गुमराह करके, और सरकार में ही, और सरकार विदेश में भी सरकार बनाने की ये क्षमता रखते हैं। किस मुद्दे पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारे पास तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये सरकार ने केवल 5 वर्ष तक जनता का शोषण किया है और अपने हित की पूर्ति किया है। बेरोजगारी 1% दूर नहीं हुई, और जैसे जैसे बेरोजगार देख लिए, समस्या बढ़ती गई। किसानों की समस्याओं को एक शब्द नहीं सुना गया। जब चुनाव का समय आया, जब चुनाव नज़दीक आया, तो खाते में पैसा भेजना जब शुरू किया, तो सिर्फ सिर्फ और चुनाव में वोट लेने की राजनीति के आधार पर किसानों को उनके खाते में पैसा दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों से नीचे से लिख लिया। अभी देखिए, पुरानी पेंशन का मामला आपके सिर चढ़ करके बोल रहा है। आप 60 वर्ष तक, 58 वर्ष तक, 62 वर्ष तक इस देश की, इस राज्य की सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद बुढ़ौती में लाठी का सहारा पेंशन होता है। और यह सरकार उस मानवीय अधिकार को भी, उस जो प्राकृतिक अधिकार के रूप में हमारे देशवासियों को मिलता है, उसको भी छीनने का काम कर रही है, और कह रही है कि नहीं, पेंशन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं। चुनाव के पहले शब्द देंगे, चुनाव बीत जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो कुछ नहीं देंगे। देंगे क्या? क्या ये आपकी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन जो बहाली आप लोग करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार, किसान को, किसान मेरे मुख्य एजेंडे में है। किसानों को उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के खेती के संसाधन उपलब्ध कराना, तमाम आशा बहु आप देख रहे हैं। शिक्षा मित्र की समस्या है, शिक्षकों की समस्या है। शिक्षक देख लीजिए, प्राथमिकों में और जूनियर हाई स्कूलों में जो शिक्षक अभी नियुक्ति इन्होंने किया है, केवल जो इनके लोग हैं उनको, और तमाम देखिए जांच के घेरे में हो। 68,000 वाली 500 भी उसी घेरे, अभी वर्तमान में जो ही है उसका रिजल्ट नहीं दे पाए। शिक्षक यहाँ का है, प्राथमिक शिक्षक को नियुक्ति मिली है बलरामपुर, जालौन। अब बताइए, प्राथमिक विद्यालय की लड़कियाँ और ये जो शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं, उनका घर है बलिया में, घर है ये नगरा में, घर है ये बेलथरा रोड में, घर है देवरिया में, और वो नौकरी करेंगे कहाँ? तो जालौन में, बीकानेर में, अजमेर में, अहमदाबाद में। तो ये केवल जनता का, केवल बेरोजगारों का शोषण है, और उनका मानसिक उत्पीड़न ही सरकार कर सकती है, इससे अधिक नहीं कर सकती है। प्रशासनिक किसी रवैये चल रही है? प्रशासन तो पूरा फेल रहा, देख लीजिए हर जगह लूटपाट। अभी हाल ही में कुछ महीने हुए थे, बलिया में सांस्कृति राय के अपने में हत्या कर दी गई। क्या करेंगे? अरे संस्कृति, अभी संस्कृति किसी प्रकार का अपराध कहीं थमा नहीं है। ये केवल अभी देखिए, इनके संस्कृति मंत्री कल बोले हैं, महेश शर्मा जी अभी कल आए, बताइए, वो संस्कृति मंत्री हैं, और संस्कृति मंत्री ने मर्यादा तोड़ते हुए बोला है कि कांग्रेस में पप्पू प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और उस प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पप्पी को लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस देश का संस्कृति मंत्री को संस्कृति की मर्यादा का पता नहीं है, किस असंसदीय, किस अमर्यादित शब्द का हमारे नेता के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, यह किसी भी आधार पर सहनीय अक्षम्य है, यह सहन नहीं किया जा सकता है। और इसका रिजल्ट हमारे नेता ने चूंकि कहा है, इसलिए हम लोग उतना नहीं कुछ कह सकते। हमारे नेता का सख्त निर्देश है माननीय राहुल जी का, और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी है, सख्त निर्देश है कि आप लोगों को प्रतिकार के रूप में कुछ कहना और करना नहीं है। तो निश्चित तौर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भाजपा की बेतुकी और गैर जिम्मेदाराना हरकत का जवाब इस लोकसभा चुनाव में जरूर जनता देगी, और आने वाले चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यह आपके सामने हुआ है।